महीने से मुझे सैलरी नहीं मिल रहा है, पांच महीने से मुझे सैलरी नहीं मिल रहा है, जो भी मेरे अकाउंट में था वो पूरा खाली हो चुका था, और एक दिन पूरा खाली हो चुका था, कुछ भी नहीं था। सो एक दिन मैंने एक डिसीजन किया, जो भी मेरे पास है, जो भी बाकी है, वो एक फेथ ऑफरिंग के द्वारा मैं प्रभु के काम के लिए मैं दूंगी। 1000 वही था मेरे पास, जो भी है मैंने डिक्लेयर किया था ये मेरा फेथ का ऑफरिंग है, जो कुछ मेरे पास था मैंने दे दिया, पूरा अकाउंट खाली, मेरे साथ कुछ भी चिलर भी नहीं था, नॉट अ सिंगल कॉइन, कुछ नहीं था मेरे बैग में, कुछ नहीं था, लेकिन सिर्फ अकाउंट में कुछ चिलर था, लेस देन 100 रुपीज का चिलर था मेरे पास। और मैंने ऐसा बोला कि ये मेरा फेथ ऑफरिंग है, अभी मैं चेक करूंगी, सब लोग फेथ 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 कर रहे हैं, मैं चेक करूंगी कि कितना दिन प्रभु मुझे बिना कुछ रहे, बिना कुछ मेरे साथ होगी, कितना दिन मुझे रखेगा। और बाद में दो दिन के बाद जब मैंने फेथ ऑफरिंग दिया था, दो दिन के बाद आपने मुझे बोला कि पैसे तुम्हारे अकाउंट में आ रहे हैं। मैंने बोला अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। उस मेरे पास कुछ नहीं था, उसमें इधर कुछ खरीद के कुछ खाने के लिए नहीं था मेरे पास, उसी टाइम हो रहा था ये सर। दो दिन के बाद आपने बोला कि पैसा आ रहा है, तो मैंने विश्वास रखा, क्योंकि मुझे देखना था कि प्रभु मुझे कितना दिन से खंगाल रख रहा है। यस, तो आपने बोला दो दिन, आपने बोला उसके दो दिन बाद मेरे अकाउंट में पैसे आया।